हेलो एवरीवन, इस स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लिस जीवीएस फार्मा के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के करंट प्राइस की बात करेंगे तो 134.39 की करंट प्राइस चल रही है। आज इनमें स्टॉक में लगभग 6.5% की बढ़िया सी तेजी भी देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, पिछले एक साल में स्टॉक में 34% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। फिर से स्टॉक ऊपर की ओर बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से अभी कुछ लेवल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिए। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, 1 टाइम फ्रेम में हमने सेट कर लिया है। सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो 118 से लेके 123 का एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पे स्टॉक मल्टीपल टाइम आके सपोर्ट लेके ऊपर की ओर बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पे ऊपर की ओर रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो 134 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, जहां पे आने के बाद स्टॉक में मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज के दिन में फाइनली यहां पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट का सस्टेन करने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 टाइम फ्रेम में कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है तो स्टॉक में फर्दर काफी अच्छी तेजी स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ टेक्निकल चार्ट पे की सारी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। और साथ ही साथ में अगर MACD इंडिकेटर की भी बात करेंगे तो आज के दिन में बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। जीरो लाइन के ऊपर भी ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मजबूती के सिग्नल दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टिकर डेफ वेबसाइट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट में स्टॉक अंडर प्राइस है, लेकिन ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं एज पर टिकर टेप वेबसाइट। और अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार ज़रूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है, ठीक है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, स्मॉल कैप है, जिसका मार्केट कैप 1328 CR का देखने को मिलता है, और स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। फोरकास्ट डेटा इज करंटली अनअवेलेबल बता रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम स्किप कर लेते हैं। पीएस की बात करेंगे तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सिप्ला, साथ साथ में टोरेंट फार्मा देखने को मिल जाते हैं, सॉरी, ठीक है। अब प्राइस कंपैरिजन की बात करेंगे तो पहले जो है स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी ब्लिस जीवीएस में, बाद में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। अभी यहाँ पे फिर से सेक्टर वाइज सारे स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक अपस्टॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।